अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने समर टास्क का नेक्स्ट पेज करेंगे, पेज नंबर 8, एंड आपका सेम टॉपिक एडजेक्टिव ही आगे कंटिन्यू हुआ है। ओके, सो नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन? राइट सुटेबल एडजेक्टिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ओके, अब आपने क्या करना है, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, आगे उनके आपने कोई भी सुटेबल एडजेक्टिव लगाना है और आपको सारे एडजेक्टिव एक बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट इज एक्साइटिंग, सेकेंड इज रिफ्रेशिंग, थर्ड इज बोइंग, फोर्थ इज लविंग, फिफ्थ इज रनिंग एंड सिक्स इज स्माइलिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है अ डैश स्टोरी। स्टोरी कैसी है? फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट इज़ बोरिंग, तो मैंने यहाँ पे क्या एडजेक्टिव यूज़ किया? बोरिंग, की स्टोरी बहुत बोर थी। ओके, नंबर सेकेंड अ डैश ड्रिंक। ड्रिंक कैसी हो सकती है? हाँ, मज़े की हो सकती है। ड्रिंक पी के हम कैसा फील करते हैं? रिफ्रेश, सो अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। नेक्स्ट इज डैश पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स कैसे होते हैं आपके साथ? गुस्सा करते हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, सो यहाँ पे क्या होगा? लविंग पेरेंट्स। नेक्स्ट इज डैश फेस। किसी का फेस ब्यूटीफुल हो सकता है, प्रीटी हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, सैड हो सकता है, स्माइल कर सकता है, सो यहाँ पे हमें क्या वर्ड दिया हुआ? स्माइलिंग। सो हम क्या लिखेंगे? अ स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। एंड डैश राइड। अब राइड आप कोई भी मतलब ले सकते हैं, तो राइड आपकी कैसी थी? मज़े की थी, बोर थी? आपका सफ़र कैसा गुजरा? फॉर मी इट इज़ एन एक्साइटिंग, बहुत मज़े की थी, इंजॉयबल थी, सो आई राइट एक्साइटिंग। लास्ट इज वाटर, रनिंग वाटर, यानी पानी गिर रहा है, आप टैप खोल देते हैं तो पानी गिर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरह से करना है। सेकेंड में आपको समझा देती हूँ, इसमें भी इसी तरह आपको वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं, ड्राइड, वेस्टेड, पेंटेड, ट्रेंड, क्लोज, वाइल्ड। ओके, अ डैश वॉल। वॉल कैसी हो सकती है? हार्ड हो सकती है, पेंटेड हो सकती है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? अ पेंटेड वॉल, ठीक है, पेंट हुई भी वॉल। नेक्स्ट इज डैश टाइम। टाइम आप क्या कर सकते हैं? सेफ भी कर सकते हैं और वेस्ट भी कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ वेस्टेड का, सो वी विल राइट वेस्टेड टाइम, टाइम ज़ाया कर दिया। ओके, एग्स आप फ्राई कर सकते हैं, हर फॉर्म में कुक कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ओनली ऑप्शन क्या दिया हुआ? बॉइल्ड का, तो हम क्या लिखेंगे? बॉइल्ड एग्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट, अ डैश डोर। डोर ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, सो यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है? क्लोज का, सो हम क्या लिखेंगे? अ क्लोज डोर। ओके, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स भी होते हैं। और स्टूडेंट्स, और कौन से होते हैं? सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है आपकी, जो आप विंटर्स में बहुत खाते हैं मज़े लेके, वो होता है ड्राई फ्रूट। वेरी गुड, सो ड्राइड फ्रूट हमने यहाँ लिखा। डैश वर्कमैन। लास्ट वर्ड की हमारे पास बच्चा है ट्रेंड का स्टूडेंट, सो हम यहाँ पे ट्रेंड ही लिखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको अब समझ आ गया होगा, और अब आप बाकी के खुद से सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने आपको समझा दी। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपने समर टास्क का नेक्स्ट पेज करेंगे, पेज नंबर 8, एंड आपका सेम टॉपिक एडजेक्टिव ही आगे कंटिन्यू हुआ है। ओके, सो नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन? राइट सुटेबल एडजेक्टिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ओके, अब आपने क्या करना है, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, आगे उनके आपने कोई भी सुटेबल एडजेक्टिव लगाना है और आपको सारे एडजेक्टिव एक बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट इज एक्साइटिंग, सेकेंड इज रिफ्रेशिंग, थर्ड इज बोइंग, फोर्थ इज लविंग, फिफ्थ इज रनिंग एंड सिक्स इज स्माइलिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है अ डैश स्टोरी। स्टोरी कैसी है? फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट इज़ बोरिंग, तो मैंने यहाँ पे क्या एडजेक्टिव यूज़ किया? बोरिंग, की स्टोरी बहुत बोर थी। ओके, नंबर सेकेंड अ डैश ड्रिंक। ड्रिंक कैसी हो सकती है? हाँ, मज़े की हो सकती है। ड्रिंक पी के हम कैसा फील करते हैं? रिफ्रेश, सो अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। नेक्स्ट इज डैश पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स कैसे होते हैं आपके साथ? गुस्सा करते हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, सो यहाँ पे क्या होगा? लविंग पेरेंट्स। नेक्स्ट इज डैश फेस। किसी का फेस ब्यूटीफुल हो सकता है, प्रीटी हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, सैड हो सकता है, स्माइल कर सकता है, सो यहाँ पे हमें क्या वर्ड दिया हुआ? स्माइलिंग। सो हम क्या लिखेंगे? अ स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। एंड डैश राइड। अब राइड आप कोई भी मतलब ले सकते हैं, तो राइड आपकी कैसी थी? मज़े की थी, बोर थी? आपका सफ़र कैसा गुजरा? फॉर मी इट इज़ एन एक्साइटिंग, बहुत मज़े की थी, इंजॉयबल थी, सो आई राइट एक्साइटिंग। लास्ट इज
वाटर, रनिंग वाटर यानी पानी गिर रहा है, आप टैप खोल देते हैं तो पानी गिर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है। सेकंड में आपको समझा देती हूँ, इसमें भी इसी तरह आपको वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं, ड्राइड, वेस्टेड, पेंटेड, ट्रेंड, क्लोज, वाइल्ड। ओके, अ डैश वॉल, वॉल कैसी हो सकती है, हार्ड हो सकती है, पेंटेड हो सकती है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अ पेंटेड वॉल, ठीक है, पेंट हुई भी वॉल। नेक्स्ट इज डैश टाइम, टाइम आप क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और वेस्ट भी कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ वेस्टेड का, सो वी विल राइट वेस्टेड टाइम, टाइम ज़ाया कर दिया। ओके, एग्स, एग्स आप फ्राई कर सकते हैं, हर फॉर्म में कुक कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ओनली ऑप्शन क्या दिया हुआ, बॉइल्ड का, तो हम क्या लिखेंगे, बॉइल्ड एग्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट, अ डैश डोर, डोर ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, सो यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्लोज का, सो हम क्या लिखेंगे, अ क्लोज डोर। ओके, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स भी होते हैं, और स्टूडेंट्स और कौन से होते हैं, सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है कि आपकी, जो आप विंटर्स में बहुत खाते हैं मज़े लेके, वो होता है ड्राइड फ्रूट, वेरी गुड, सो ड्राइड फ्रूट हमने यहाँ लिखा है, डैश वर्कमैन। लास्ट वर्ड की हमारे पास बचा है ट्रेंड का स्टूडेंट, सो हम यहाँ पे ट्रेंड ही लिखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, और अब आप बाकी के खुद से सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने आपको समझा दी। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।